किसानों ने 12 दिसंबर को टोल फ्री करने का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम किए गए। केंद्र सरकार ने किसानों को किसान बिल को लेकर जो संशोधित प्रस्ताव भेजे थे उसे किसानों ने सिरे से निकाल दिया, जिससे एक बार बात साफ है कि किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध फिलहाल कम नहीं होने वाला है। ऐसे में किसानों ने ऐलान किया है कि वो 12 दिसंबर को तमाम टोल फ्री कर देंगे। और फिलहाल हम दिल्ली बदरपुर बॉर्डर का जो टोल है वहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंतजाम जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये जो एरिया है ये दिल्ली पुलिस के इलाके में आता है, और दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पे पहले जो तमाम जो टोल बूथ थे उनमें से 4 टोल बूथ को टेम्परेरी तौर पे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे निजी गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, 4 टोल बूथ फिलहाल पुलिस की तरफ से बंद कर दिए गए हैं कि अगर किसानों की तरफ से टोल फ्री का जो आह्वान किया गया है 12 दिसंबर को वो होता है तो उसको काबू में पाया जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ जो 4 टोल पे हैं उन पे लगा दी गई है, बाकी जो 2 टोल हैं वो चालू हैं। यहाँ पे एहतियातन के तौर पे पुलिस मौजूद है, पुलिस की जो बस है बस में पुलिस मौजूद है कि अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है, किसान टोल फ्री को लेकर अपना जो टोल फ्री का आह्वान किया है उसको लेकर बदरपुर बॉर्डर पहुँचते हैं तो उस पर काबू पाया जा सके। तमाम पुलिस की जो फोर्स है यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग बस में यहाँ पे पुलिस मौजूद है भारी संख्या में, ताकि किसानों का जो आह्वान है बंद का टोल फ्री करने का वो ना हो सके। ये दिल्ली बदरपुर का जो बॉर्डर है वो है यहाँ पे। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे तैयारियों की, तो यहाँ पे जो बैरिगेड्स लगाए गए हैं, यहाँ पे क्रेन लगा दी गई हैं, बसें लगा दी गई हैं, क्योंकि जो 6 में से 4 जो टोल गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है टेम्पोररी तौर पे। 2 गेट चालू हैं जहाँ से फिलहाल आम जनता जा रही है। यहाँ पे पुलिस फोर्स भारी बल में तैनात है, बसों में यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो उससे बचा जा सके। बात की जाए किसानों को रोकने के लिए तो यहाँ पे और भी इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने जो बैरिगेट लगे हैं, बैरिगेट में ऊपर कटीले तार लगा दिए गए हैं ताकि इन बैरिगेट को तोड़कर या इन बैरिगेट पे चढ़कर किसान टोल तक ना जा सके, बदरपुर बॉर्डर पार ना कर सके, ये कटीले तार हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंटेनर रख दिए गए हैं कि कंटेनर देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं ताकि इन कंटेनर को भी पार करके यहाँ पे किसान ना आ सके, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे कंटेनर है और इसीलिए यहाँ पे कंटेनर का इंतजाम किया गया है। देख सकते हैं कि कंटेनर की एक दीवार लगा दी गई है यहाँ पे, और इसी इन्हीं दीवार के सहारे पुलिस इन जो किसान हैं इनको रोकने की कोशिश करेगी। जो बैरिगेट हैं वो आप देख सकते हैं कि कटीले तार इन पे लगाए गए हैं ताकि बैरिगेट को, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किसी भी आंदोलन में आंदोलनकारी बैरिगेट पे चढ़ जाते हैं, यहाँ पे बैरिगेट पे कटीले तार लगाए गए हैं ताकि कोई चढ़ ना सके। इसी के अलावा यहाँ पे जो इंतजाम है, बात की जाए दिल्ली पुलिस के अलावा, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अलावा जो अन्य फोर्स हैं वो भी बुलाई गई है। आप देख सकते, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस के अलावा जो अन्य फोर्स है वो भी यहाँ पे एहतियातन बुलाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। तो ये तमाम तैयारियाँ यहाँ पे दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पे की गई है ताकि जो किसानों ने आह्वान किया है कि 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस की तरफ से यहाँ पे इंतजाम है। और ये दिल्ली बदरपुर को जोड़ने वाला, दिल्ली फरीदाबाद को जोड़ने वाला बदरपुर बॉर्डर है। यहाँ पे अन्य यातायात सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन जिस तरह का किसानों का आह्वान है उसको रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस की तैयारियाँ पूरी है। बैरिगेट लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिगेट लगाए गए हैं, और जो 4 टोल नाके हैं उनमें से 4 पे गाड़ियाँ खड़ी रखी है, अन्य 2 को चलाया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक है वो चल सके। अब देखना है कि ये तैयारियाँ 12 दिसंबर को कितनी कामयाब साबित होती है।